69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट हैं। एक 6800 नहीं अब 19,000 पर मिलेगी नौकरी। साथ में सुप्रीम कोर्ट उत्तर कुंजी पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर जारी हुआ है। जहां जैसे कि पिछली सुनवाई में कुछ हो नहीं पाया उसी को लेकर यहां पर एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी अभी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, जहां पर साफ किया गया है कि जो सरकारी अधिवक्ता हैं, ठीक है, जो पिटिशनर हैं सरकारी अधिवक्ता, उनकी तरफ से यहाँ पर मांग की गई थी केस को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसलिए 2 सप्ताह का समय यहाँ पर उनके लिए दिया गया है। तो अब इसमें अभी नई जो तारीख है उसका तो ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये साफ किया गया है कि 2 सप्ताह बाद ही अब इस पर अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए इसे स्थगित किया गया है, सुनवाई को स्थगित किया गया है। साथ में एक जो रिट है 16305/2022 इस SLP को भी इसके साथ ही जोड़ लिया गया है, ये भी अपडेट है। फिलहाल इस उत्तर कुंजी मामले में याचियों के साथ अन्य छात्रों को भी 1 अंक पर मौका मिल सकता है, ऐसी अपडेट है। फिलहाल सुनवाई का इंतजार है, 2 सप्ताह का इंतजार करिए, लगभग अक्टूबर लास्ट तक इसकी सुनवाई हो सकती है। जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा हम आप तक अपडेट पहुंचा देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरी जो अपडेट निकल कर आई वो 6800 आरक्षण सूची से संबंधित है। यहाँ पर दिलीप मंडल जी हैं, उनकी तरफ से अपडेट किया गया है कि मैं लखनऊ में हूँ और शानदार खबर है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि शानदार खबर है कि योगी आदित्यनाथ सरकार SC और OBC के 19,000 शिक्षक कैंडिडेट को नियुक्ति दे सकती है। आप देखिए 6800 नहीं अब 19,000 छात्रों को नियुक्ति दे सकती है, उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC 27% की जगह 3.80% नौकरी दी गई थी, SC को 2% का नुकसान हुआ था। तो UP सरकार ने अदालत में अपनी गलती को मान लिया है और अब इसमें उत्तर प्रदेश सरकार सुधार कर सकती है। किस तरह से सुधार करेगी वो आने वाली 19 तारीख को वहां पर साफ होगा। लेकिन इनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि 6800 नहीं अब 19,000 सीटों पर छात्रों को नौकरी दी जाएगी, दे सकती है, ऐसा विचार सरकार पर अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे आने वाली जो सुनवाई है हाईकोर्ट वहां से अपडेट देखने को मिलेगी। फिलहाल ये जानकारी देखने को मिली थी तो आप तक ये सूचना पहुंचाई गई है, लेकिन अच्छी अपडेट है क्योंकि अगर 19,000 सीटों पर सबको नौकरी मिल जाती है तो लगभग जो भी छात्र हैं, जो भी आरक्षित वर्ग के छात्र हैं जिनको नुकसान हुआ था, उन सभी को यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी और इसमें कोई भी मामला नहीं रहेगा जिससे कोई केस वगैरह आगे कुछ देखने को मिले। तो फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती से हर एक अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।